कोई बात अच्छी लग भी रही है लेकिन कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ऐसे बिल्कुल सांसारिक बातें कर रहे हैं। काहे में धर्म है कछु, तत्व की तो चर्चा नहीं करी। ले इतने ही में वाणी से या शरीर से, वहां मन ही मन में ईर्ष्या करी थी प्रदोष में, और यहां वाणी और शरीर से आसाधना कर दी, बाजू वाले से चर्चा में लग गए। अच्छी वचन का चल रही है लेकिन अपन बाजू वाले से सटे हैं। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि धर्म चर्चा चलते समय और दो लोग आपस में इशारा करें या वाणी से कुछ कहना शुरू कर देवें तो समझना यही तो आसाधना है ज्ञान की, ये बहुत हो जाती है, देख लो आप। और उपघात सच्चे ज्ञान का नाश ही कर देना, अर्थात उसे अज्ञान कह देना, ये उपघात है। जो धर्म की बात है उसको तो अज्ञान कह देना, और जो संसार बढ़ाने वाली बात है ये ज्ञान है। सम्यक ज्ञान को तो ज्ञान नहीं कहेंगे और मिथ्या ज्ञान को ज्ञान कह रहे हैं। इस तरह हमने सम्यक ज्ञान की प्रशंसा नहीं की और उसकी आसाधना के साथ साथ उपघात कर दिया, उसका नाश ही कर दिया। पहले तो अनादर किया तो फिर बाद में उसको नष्ट कर दिया। अब बताइएगा कि हमें अपने जीवन में कैसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। तो भैया अगर हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी किसी किताब की नहीं है, किसी गुरु की नहीं है और ना किसी स्कूल और कॉलेज की है। उसकी जिम्मेदारी मेरे अपने भावों की, मुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए मेरे अपने पर।